शहनशाह अफरीदी जो है ये तो सुपरस्टार बन गया, तो शहनशाह अफरीदी जो है उसकी ग्रूमिंग कैसे हुई, वो कैसे आया आपके पास, किस तरह से आपने उसको ढूंढा, किस तरह से पाया? इसका जो बड़ा भाई है रियाज अफरीदी, वो मेरी उस टीम में था 2004 की अंडर 19 जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, फिर उसको पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर भी बन गया। तो ये मुझे तब कहता होता था आकिब भाई, मेरा एक छोटा सा भाई था, वो होगा 12-13 साल का, कहता आप कभी उसको ज़रूर देखना। तो मैं पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आया तो वो हमारा ये प्लेयर डेवलपमेंट में पिंडी का कोच था, हमने उसको बनाया। तो उसने कहा कि आकिब भाई अब आप आ गए तो उसको ना आप देखें। तो हमने जब ये हारिस वगैरह ट्रेंड हो रहे थे तो इसको भी हमने बुलाया, एक हफ़्ता ये रहा, तो ये बड़ा अच्छा टैलेंट नज़र आया। फिर अंडर 19 के अवार्ड कप होना था तो फिर पीसीबी ने उसे सिलेक्ट कर लिया, और जब हमने इसको पीएसएल में सिलेक्ट किया तो ये वॉज जस्ट 17। लेकिन जो करेक्टर होता है वो आप 17 साल में भी आपका उतना ही मजबूत होता है जितना आप जाके 40 साल का होता है, तो वो तो नेचुरल करेक्टर। आप अंदाज़ा करें कि कोई बच्चा ये काम, मैंने नहीं सुना आज तक कोई ये करे कि इसके 3-4 मैच जो हैं वो बुरे गए तो ये रोता हुआ कहे कि मुझे फवाद राना से मिलना है। तो समीर ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं क्या बात करनी है, मैं आकिब भाई के साथ बैठ के बात करते, तो परेशानी क्या है? कहता मैंने, मुझे नहीं मैं आता खेलना, मैं बहुत बुरा खेल रहा हूँ, तो मुझे ना पैसे वापस करने जो आपने मुझे पीएसएल के दिए हैं। तो आप सोचेंगे 17 साल का बच्चा और वो इस तरह से सोचता है। लेकिन हमने भी उसे फिर थोड़ा एक दो मैच रेस्ट दिया था कि मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स होए, और उसको रेडी किया कि खेलना तुम ही नहीं है। ये वापस आया मुल्तान के खिलाफ मैच, उसमें इसने 5 आउट कर दिए। तो दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं कि एक एक प्लेयर का अपने ऊपर बिलीव और आपका उस प्लेयर के ऊपर बिलीव, और जिस तरह से जिस मैच्योरिटी से उसने कप्तानी की है और जो सारे वसफ होने चाहिए कप्तान और लीडर के, मैंने किसी क्रिकेटर को कभी ये करते हुए नहीं देखा कि अगर कोई आपको अनाउंस हुई है कोई चीज़ या पीसीबी से कोई उसको इनाम मिलता था तो वो कहता था इन सारे स्पोर्ट्स स्टाफ में बांट दो। तो वो उसको पता है कैसे टीम इकट्ठी रखनी है, क्या सेक्रीफाइस देनी पड़ती हैं, और लीडर ही करता है, और उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उसको बड़ा आदमी बनाते हैं। सुहेल भाई, शहीन के बारे में जितना कुछ कहना ना वो कम है, और हमारा तो इज़ ए पार्ट ऑफ फैमिली, मतलब उसको सूरज को चुराग दिखाने के मुतरादिफ है। बट एक चीज़ है कि जिस तरह का उसका करेक्टर है और जिस तरह का वो पैशन से अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है, वो कम ही लोगों में होता है। और ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा ज़रूर एक ना एक दिन जो है ना वो लेजेंड बनते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ कि अभी हमने पीएसएल से पहले जब हम हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मिलेंगे, मैं आकिब भाई, शहीन और उस्मान डार थे, सो उन्होंने शहीन को कहा कि शहीन आपने ज़िंदगी में ना लालच करना ना डरना, आपने कभी इस बात से नहीं डरना कि आपको मार पड़ जाएगी, आपने एग्रेशन दिखाना। और हमें उन्होंने कहा कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है कि एक फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाया, क्योंकि मैं बैट्समैन को कैप्टन मानते ही नहीं हूँ, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कप्तान होते ही फास्ट बॉलर है। और शहीन को उन्होंने कहा कि शहीन, अब मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आपके एक लेजेंडरी क्रिकेटर इमरान खान की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि अगर शहीन तुम इसी तरह खेलते रहे डिसिप्लिन के साथ तो तुम 8 से 10 साल दुनियाई क्रिकेट पर राज करोगे। अब आप मुझे बताएं कि एक एक्स क्रिकेटर का जिस पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता था उनके बारे में ये ख्याल है, तो हम अपने फेल पे क्यों ना नाज करें कि हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, हमने इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी, हमने इनको हौसला दिया, हमने इनको कॉन्फिडेंस दिया, हमने इन पे बिलीव रखा, बावजूद इसके कि बहुत से लोगों ने तनकीद की। मुझे याद है कि एक्स चीफ सेलेक्टर जब हमने बनाया हुआ तो एक जगह बैठे थे, उन्होंने कहा कि आते बड़ा बोल्ड फैसला किया आप लोगों ने, 2-3 साल लगेंगे यानी कि अभी तुम्हें ट्रॉफी लाने में ना, क्योंकि अभी तो तुम उसे ग्रूम करोगे, ट्रेन करोगे। और आप यकीन माने को मैं आज पढ़ा, मैं कहा चले अब देखते हैं, अभी मैचेस शुरू होने वाले हैं, आपको लग पता जाएगा। तो अभी मुझे याद है कि एक मैच था, तो उससे पहले शहीन से मेरी बात हो रही, तो शहीन ने कहा थे भाई इंशाल्लाह हम जीतेंगे। मैंने कहा हेलो शहीन, हम नहीं आप, क्योंकि जीत आपकी है, हार मेरी है,
बिकॉज अगर हम हारे हैं तो उसमें मेरी आके भाई की कोई कोताही होगी, हमने कोई पार्ट मिस कर दिया होगा, लेकिन खेल तो आप रहे हो ना, मैं कैसे जीत सकता हूँ? तो जीते होगे आप, और आप ही इसको सेलिब्रेट करोगे। फिर जिस तरह हमने आपने देखा कि जिस तरह हमने सेलिब्रेट किया, ये भी कभी ऐसा नहीं हुआ, बाकी लोग भी जीते हैं हमारे भाई, बट हमने ट्रॉफी लेके उन प्लेयर्स के घर तक गए और शुरू हमने किया शाहीन से, उसके वालिद को ट्रिब्यूट दी कि क्या ज़बरदस्त आपने ग्रूमिंग की है, हारिस के घर के, फ़खर के घर के, फिर चक सवारी में जमान। अब आप ये सोचिए कि शाहीन ना सिर्फ क्रिकेटर बहुत लेजेंडरी इंशाल्लाह होगा, वो इंसान कितना बड़ा है कि 21-22 साल की उम्र में हम जा रहे हैं चक सवारी जमान खान से मिलने, शाहीन का फ़ोन आया समीन को, जो समीन राना जो इसमें है हमारे साथ, वो उनको आया कि जी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो समीन ने कहा कि हाँ बताने का को होगा कि कुछ अपने लिए कुछ काम होगा, उन्होंने कहा आप जमान खान को घर बना के दें पक्का, जमान खान को पक्का घर बना के दें, उसका घर कच्चा है। आप जी आप क्रिकेटर्स को जानते ही होंगे, जनरली हर एक की ख्वाहिश होती है कि यार परफॉर्मेंस मेरी है, मुझे चीज़ मिलनी चाहिए। तो उसने अपने लिए नहीं मांगा, उसने अपने एक इमर्जिंग प्लेयर के लिए मांगा, लेकिन ये वो ट्रू लीडर होता है और वो इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होता।